नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं हरिद्वार उत्तराखंड से 12 वर्षीय मिस रिद्धिमा पांडे। रिद्धिमा इज अ क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट। ये भारत की शायद वन ऑफ द यंगेस्ट क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है और रिसेंटली ये काफी न्यूज में भी रही है क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम एक चिट्ठी लिखी थी जो आपने शायद न्यूज में पढ़ी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिद्धिमा जी, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। थैंक यू सर। रिद्धिमा को स्टडी आईक्यू पे बुलाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों से, यानी कि जो हमारी ऑडियंस हैं, आप लोग युवा हैं, आपसे मैं ये जानकारी साझा कर सकूं कि हमारा क्लाइमेट जो है वो किस दिशा में जा रहा है और उसके लिए किस स्तर के एक्टिविज्म की जरूरत है। एंड विद द जर्नी ऑफ रिद्धिमा हम ये जान सकें कि कैसे 12 साल के लोग जब इसके लिए चिंतित हैं तो क्या हमें भी चिंतित होने की आवश्यकता है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिद्धिमा मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप कहाँ पर रहती हैं, किस स्कूल में पढ़ती हैं एंड व्हाई डिड यू गेट इनटू क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म। सो बेसिकली आपने मेरा नाम अरेज बता दिया है, सो आई डोंट थिंक तो कि मुझे उसके अंदर पॉप इन करना चाहिए। सो इट्स लाइक बेसिकली आई एम अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट। So, the first action that I took was ki I filed a petition against the government of India in 2017. So, मैंने वो petition इसीलिए की because जब मैं मतलब aware हुई climate change, global warming को लेके, so मतलब मेरे को जो एक की जो problem दिखी वो ये थी कि government कहीं ना कहीं अपना जितना भी उनका part है they are not following up that. लाइक इन अ प्रॉपर वे, और जो भी मतलब अगर हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट का ज्यादातर काम इज गोइंग ऑन पेपर, लाइक ऑन ग्राउंड पे बहुत मतलब काम बहुत ही कम देखने को मिल रहा था। एंड एट द सेम टाइम उसकी वजह से काफी ज्यादा इमिशंस हो रहे थे और उसके बाद गवर्नमेंट हमारे एनवायरमेंट को बहुत लीनियंटली ले रही थी। सो देयर वर लाइक मेनी एस्पेक्ट्स, सो दैट्स व्हाई आई पर्सनली लाइक वॉन्टेड टू डू समथिंग। तो आई केम अपन लाइक विद एन आइडिया ऑफ डूइंग द पिटिशन। तो मैंने वो पिटिशन 2017 में की, उसके बाद 2019 में मैंने अदर 15 बच्चों के संग इंक्लूडिंग ग्रेटा थनबर्ग वी ऑल फाइल्ड अ कंप्लेंट एट यूनाइटेड नेशंस अंडर चाइल्ड राइट कमिटी। सो ये कंप्लेंट बेसिकली लॉ सूट हमने इसीलिए फाइल किया बिकॉज चाइल्ड राइट सबसे ज्यादा वायलेट होता है जब इमिशंस होता है, क्योंकि यू सी एनवायरमेंट पोल्यूशन इज समवेयर लाइक इट्स डायरेक्टली लिंक टू चाइल्ड राइट्स, क्योंकि जब हमारा एनवायरमेंट क्लियर नहीं होगा तो हम बच्चों को साफ हवा, साफ पानी और रहने के लिए साफ वातावरण नहीं मिलेगा। एंड दैट्स व्हाट इज चाइल्ड राइट, दैट इज अ क्राइटेरिया विच कम्स इन चाइल्ड राइट्स। तो इसी को लेके हमने यूनाइटेड नेशंस में हमारी कंप्लेंट फाइल करी। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली मैं जो काम कर रही हूँ वो ये है कि आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट, आई एम ट्राइंग टू लाइक एम्पावर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, आई एम लाइक अवेयरिंग देम इन सॉर्ट ऑफ वे। सो मैं स्कूल्स, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में जाके वहाँ पे मतलब बच्चों को जाके, यूथ को जाके अवेयर करती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ एक्शन लेने के लिए फॉर देयर फ्यूचर एंड फॉर देयर लाइफ, क्योंकि अभी जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है दैट्स गोइंग टू इम्पैक्ट ऑल ऑफ अस इन आर फ्यूचर, इन आर लाइफ, एंड इट्स इम्पैक्टिंग अस राइट नाउ। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं कि हम बच्चों को वी हैव टू कम इन दिस फाइट। So I want each and every child to fight for their right and for their life, and that's why I have like doing this work of awareness, because हम देखें अभी तो मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अभी नहीं पता क्लाइमेट चेंज क्या होता है या मतलब जो मूवमेंट्स चल रहे हैं वो क्या है, काफी बच्चों को ये नहीं पता कि EIA क्या है। So there is a lot like lack of knowledge in India, that's why I did this kind of sort of program. And other than that, I am a student of 9th grade and I study in DAV. And yeah, that's all about me, I would say. Was there any particular event जिसने आपको प्रेरित किया कि मुझे climate change activism की तरफ जाना चाहिए? कोई particular trigger था or was it just the general climate change that is going on all around us? So basically, the point which triggered me out was the Kedarnath flood. सो उत्तराखंड में हमारा बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा डिवास्टेटिंग फ्लैश फ्लड हुआ था इन 2013। सो बाय सीइंग दैट फ्लड आई रियली गॉट वेरी टच, क्योंकि मतलब जब वो फ्लड हुआ तो काफी ज्यादा न्यूज कवरेज हुई और हर जगह बस उस फ्लड के बारे में ही चर्चा हो रही थी। एंड एट द सेम टाइम एज माई पेरेंट्स ऑल्सो लाइक बिलोंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, सो दैट्स वाई लाइक दे बोथ वर्क फॉर द बायोडाइवर्सिटी।
सो दैट्स वाई समवेयर मतलब मेरा जो खुद मेरा घर पे भी लाइक दिस काइंड ऑफ टॉक वॉज लाइक एवरी टाइम दिस काइंड ऑफ टॉक वॉज हैपनिंग लाइक इस फ्लड से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ एंड ऑल दैट स्टफ एंड एट द सेम टाइम जब मेरे पेरेंट्स दे वर वॉचिंग द टीवी तब मैं भी उनके साथ ही बैठी हुई थी तो आई सॉ द डिस्ट्रक्शन. तो उसमें जब वो विजुअल्स दिखा रहे थे कि मतलब गंगा में वो टूटे हुए पेड़ टूटे हुए घर लोगों की गाड़ी एंड इवन लोग कह रहे थे कि उसमें डेड बॉडीज भी थी आई डिडंट सी दोस. एंड एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो काफी ज्यादा एग्रीकल्चरल लॉस और प्रॉपर्टी लॉस हुआ लोगों को लोगों की जाने गई और काफी सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को और उनके पास मतलब जो उनकी एक छोटी सी दुनिया थी उन लोगों ने वो सब खो दी. एंड आई काइंड ऑफ फेल्ट वेरी टच्ड बाय दैट क्योंकि मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हो और मैं मतलब मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी हो बट आई एम अ पर्सन हु इज वेरी अफ्रेड ऑफ इट. सो मैं उस समय पे मुझे मतलब क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था. सो द थिंग दैट आई हैड इन माय माइंड वाज कि मुझे बस कैसे ना कैसे करके जो फ्लड्स आ रहे हैं इन्हें रोकना है. सो एट दैट टाइम इट्स लाइक दैट वाज द टाइम व्हेन सो आफ्टर फ्यू डेज मेरे मम्मा पापा दे वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन जस्ट लाइक अराउंड दिस टॉपिक ओनली. सो मतलब हम जब डिनर कर रहे थे उस टाइम पे मम्मा पापा वर टॉकिंग अबाउट इट. सो आई जस्ट लाइक आस्क देम अबाउट कि ये फ्लड क्यों आया. सो आफ्टर दैट दे एक्सप्लेन मी आउट लाइक दिस फ्लड वॉज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देन ग्रेजुअली आई गॉट इंटरेस्टेड इन इट बिकॉज लाइक सिंस मेरे मम्मा पापा दोनों लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं. सो आई लाइक फ्रॉम सिंस द चाइल्डहुड आई हैव बीन गोइंग टू दीज प्लेसेस. मैं हमेशा मतलब हमारे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस या हमारे घूमने के स्पॉट्स रहते थे तो वो ये रहते थे कि हम रेस्क्यू सेंटर गए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए या सफारी पे गए या कभी मामा के ऑफिस चले गए उनके साथ. सो आई हैड अ प्रीटी मच काइंड ऑफ चाइल्डहुड लाइक आई स्पेंड माई मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड लाइक सीइंग लाइक रेस्क्यूड एनिमल्स एंड सीइंग नेचर ऑल अराउंड. सो मेरे पास कहीं ना कहीं आई हैड सम काइंड ऑफ लाइक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन आई वुड से. और उसके बाद ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट थिंग्स लाइक थ्रू माई पेरेंट्स ऑन माई ओन थ्रू माई लॉयर्स एंड आफ्टर दैट आई टुक माई फर्स्ट एक्शन इन 2017. Okay. Can you tell us about that 2017 petition? What was it about exactly? So that petition was basically against the government of India and that petition was basically that मतलब उस सेम ईयर में आर गवर्नमेंट साइंड पेरिस एग्रीमेंट एंड एट दैट टाइम लाइक इफ वी लाइक एज वी एनालाइज द थिंग्स वर लाइक द वर्क दैट द गवर्नमेंट वॉज डूइंग लाइक इफ वी से लाइक अबाउट देयर प्रोजेक्ट दैट दे हैव लाइक अराउंड फॉर क्लीनलीनेस ऑफ गंगा और फॉर लाइक प्लेसेस लाइक स्वच्छ भारत अभियान एंड ऑल दोज थिंग्स. सो लाइक ऑल दोज थिंग्स वर नॉट रियली फॉलोड अप ऑन ग्राउंड. मतलब गंगा स्वच्छ गंगा अभियान एंड ऑल दोज अभियान वर देयर. सो बट इन टर्म्स बिकॉज जब भी मैं स्कूल जाती हूँ सीइंग गंगा इज लाइक पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ और आई हैव नोटिस दैट देर वॉज नो चेंज दैट हैपेंड आफ्टर दैट लाइक आफ्टर दैट प्रोजेक्ट और सॉर्ट ऑफ स्टफ. बट एट द सेम टाइम अगर हम गवर्नमेंट का डेटा देखें लाइक ऑनलाइन सो इट सेड दैट गवर्नमेंट हैज मेड सच अ बिग प्रोग्रेस एंड काफी ज्यादा सफाई हुई है काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है काफी ज्यादा अच्छा वर्क चल रहा है बट ऑन ग्राउंड द थिंग्स वर नॉट गोइंग दैट ग्रेट. एंड एट द सेम टाइम वी हैड लॉट मेनी लाइक रूल्स एंड नॉर्म्स फॉर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फॉर द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड स्टफ बट ऑन ग्राउंड उनका फॉलोअप नहीं होता था अच्छे से. काफी ज्यादा फॉरेस्ट क्लियरेंसेज हो रहे थे और उससे लोकल कम्युनिटीज वहां के रहने वाले ट्राइबल्स वहां की मतलब स्पीशीज हर किसी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था. एंड एट द सेम टाइम इवेंचुअली इनडायरेक्टली वो हमें इम्पैक्ट कर रहा था. सो आई लाइक व्हेन आई सॉ ऑल दोज थिंग्स एंड आई केम टू नो अबाउट हाउ बैडली इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट माई फ्यूचर आई जस्ट लाइक वॉन्टेड टू स्टॉप ऑल दैट. एंड दैट्स वाई दैट पिटिशन वॉज अबाउट लाइक द इनएक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड बेसिकली दे वर नॉट रियली डूइंग द वर्क ऑन ग्राउंड एंड दे वर समवेयर फेल्ड to follow up all the needs or to fulfill all the needs of the Paris Agreement. ओके okay. तो आपने पिटीशन दायर करी थी ताकि सरकार पेरिस एग्रीमेंट्स के जो अपने वादे हैं उनको निभाए. Kind of like, हाँ. ओके तो then what was the result of that petition? आपको कोर्ट्स में उसमें क्या सफलता हासिल हुई? मतलब after 1.5 year मेरी पिटीशन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डिसमिस कर दी थी.
on the grounds that the government was doing everything right. And I don't know why it got dismissed because हमने उस petition में साफ साफ मतलब हमने काफी ज्यादा case studies और काफी ज्यादा उसमें facts files सब कुछ उसमें add किया था. And at the same time मतलब उस petition में यही था कि government is doing more work on paper. But seeing that paperwork only National Green Tribunal said कि government was doing everything right और मेरी petition dismiss हो गई वहाँ से. So after that I took it to the Supreme Court and it's been like 1 or 2 years right now, so it's still pending over there. Abhi tak it's not come at like hearing point, so still like some progress has been made in that petition. But kyunki because of COVID matlab online hearings and sab stuff sab ho raha hai, so every petition doesn't get come up to hearing, so it's still like it's still pending there. But yeah, so I doesn't really like it doesn't really did any justice, I would. Okay, I personally wish you all the best regarding that petition. I hope something good comes out of that and our authorities will take note. Coming to the next aspect, hum dekh rahe hain ki UN mein kafi activism ho raha hai from children like you. Do you think that is a sign of the times to come ki aap log jo yani ki nayi peedhi hain unhe hi ye zimma uthana hoga ki climate change seriously liya jaye? इस बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली एक कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ. जैसे ग्रेटा थनबर्ग, शी अचीव्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ न्यूज लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ हर एक्टिविज्म. यू आर डूइंग द सेम इन इंडिया. लिसी प्रिया फ्रॉम मणिपुर, शी इज ऑल्सो डूइंग अ लॉट. सो आपका क्या मानना है कि इज द नेक्स्ट जनरेशन ओनली द वन विच कैन सॉल्व दिस, और डू यू थिंक दैट एडल्ट्स स्टिल हैव होप, वी स्टिल हैव होप फ्रॉम द एडल्ट्स? आई वुड से इट्स लाइक what we can do as like the generation Z is we can create awareness, we can raise our voices, but still agar hum dekhe the power is still in the hands of the government, is still in the hand of older generation. Because agar main personally kahun to what matlab personally main kya kar sakti hu is main zyada se zyada logo ko aware kar sakti hu aur is issue ke bare mein matlab pura globally awareness create kar sakti hu. या अगर कुछ चीज सही नहीं हो रही है तो उसके लिए मैं गवर्नमेंट और ओल्डर जनरेशन पे प्रेशर बिल्डअप कर सकती हूँ. सो वी कैन डू दीज थिंग्स, बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो द पावर इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, द पावर इज लाइक द होल पावर एंड एवरीथिंग इज द हैंड ऑफ गवर्नमेंट. सो आई वुड से दे हैव द पावर इन देयर हैंड, बट एट द सेम टाइम वो मतलब क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. सो समवेयर ये एक मतलब एक ड्यूटी बन चुकी है हम बच्चों की कि हमें सब लोगों को अवेयर करना है, हमें सब लोगों को मतलब ये रियलाइज करवाना है कि यस क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे हमारी लाइफ खतरे में है, तो हमारी लाइफ को बचाने के लिए वी आर डूइंग आवर बेस्ट. बट स्टिल अगर हम कहें कि हम लोगों के हाथ में अभी भी उतनी पावर नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें अभी रिसेंटली EIA ड्राफ्ट के अगेंस्ट जब प्रोटेस्ट हुआ सब कुछ हुआ, तो मतलब फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, एक्सटेंशन रिबेलियंस, इन सब की वेबसाइट्स ब्लॉक हो गई और इन सब के अगेंस्ट यूएपीए एक्ट लग गया. और मतलब बिकॉज लाइक वी वर प्रोटेस्टिंग एंड बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज गेटिंग सो मेनी ईमेल्स, सो स्टिल यू सी राइट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है. दैट्स व्हाई लाइक हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे. सो आई थिंक दैट दे ट्राइड टू स्टॉप अस. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ट्राई टू बिल्ड अप प्रेशर, वी कैन ट्राई टू मेक एज मेनी पीपल एज अवेयर, वी कैन ट्राई टू डू लाइक आवर बेस्ट. बट एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ड्यूटी है to like make sure that all the rules and norms, jitne bhi rules and norms hain unhein log matlab unhein government unke jo officers hain wo unhein ground pe follow up karwa rahe hain, jo rules and norms ko follow nahi karta hai wo un pe strictly actions le rahe hain. It's the duty of government. Because agar main personally main dekhu ki coca cola ki wajah se bahut zyada plastic pollution hota hai, so I can't go to the factory or to the company straight forward aur main unhein nahi keh sakti ki aap वजह आप मतलब बहुत ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन कर रहे हैं तो अपनी मतलब अपनी फैक्ट्री आप बंद कर दो, आप कोका कोला का प्रोडक्शन बंद कर दो. आई कांट गो ओवर देयर. और मैं उनको ये नहीं कह सकती कि मेरे को ये अच्छा नहीं लगता, या हम सब बच्चे मिलके भी जाए हम कहें कि हमें ये अच्छा नहीं लगता तो वी वॉन्ट यू टू चेंज. हम क्या कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ पिटिशन कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ लाइक ऑनलाइन स्ट्राइक्स कर सकते हैं. बट स्टिल गवर्नमेंट हैज द पावर. अगर वो उन्हें स्ट्रिक्टली ये नोटिफिकेशन दे दे कि दे हैव टू फाइंड एन अल्टरनेटिव, दे हैव टू, बिकॉज गवर्नमेंट की बात मानने की कोर्ट के बात मानने के अलावा दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. सो आई स्टिल फील कि पावर ज्यादा गवर्नमेंट और ओल्डर जनरेशन अपने हाथ में होल्ड करती है, बट एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं मतलब
they are not using their common sense, I would say. Okay. आपने अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक लेटर लिखा था. उस लेटर के कंटेंट्स क्या थे एंड व्हाई डू यू थिंक वाज इट नेसेसरी टू राइट दैट लेटर? So that letter was basically on air pollution. कि अगर हम देखें air pollution हमारे country में एक one of the biggest problem है आज के time में. और अगर हम देखें तो most polluted cities अगर हम वो list check करें तो ज्यादातर cities India की हैं. और last year Delhi का air pollution भी was it became a global headline. So अगर हम देखें तो air pollution कहीं ना कहीं हमारे country में एक बहुत बड़ा issue है. But still nothing is really happening to mitigate air pollution in our country. बातें होती है, speeches दी जाती है, slogans दिए जाते हैं, promises होते हैं, but on ground काम नहीं होता है. And because it's like हम देखे तो दिन बर दिन और साल बर साल air pollution बढ़ता जा रहा है. हर साल दिल्ली और दिल्ली जैसी कई cities, आगरा, मुंबई, चेन्नई, ये सब मतलब ये सारी cities बहुत ज्यादा air pollution, इनका air pollution बढ़ता जाता है हर साल. और अगर हम कहें तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है लोगों को, उनकी हेल्थ को, उनकी इम्यूनिटी को, उनके इम्यून सिस्टम को, उनकी पूरी बॉडी को, और खास करके बच्चों को, बूढ़ों को, और मैं कहूंगी कि मतलब गरीब लोगों को भी, क्योंकि चिल्ड्रन एंड ओल्डर पीपल हैव वीक इम्यूनिटी. एंड इन टर्म्स हम अगर गरीब लोगों की बात करें तो दे डोंट हैव एनी रिसोर्सेज एंड दे आर लाइक हैंड टू माउथ पीपल. सो वो बेयरली कमा पाते हैं खाना खाने के लिए. और इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा वर्स है कि लोगों को अब एयर प्योरीफायर्स खरीदना पड़ रहा है, मास्क खरीदने पड़ रहे हैं अक्टूबर से लाइक एंड तक. तो मतलब ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज उन लोगों के पास नहीं है. सो इट्स इम्पैक्टिंग देम अलॉट. तो ये सारी चीजें हो रही है हमारी कंट्री में. और उसके बाद भी मतलब इस पे जो एक्शन लिया जाना चाहिए वो अभी तक नहीं लिया जा रहा है. और अगर हम देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में अपनी कहा था कि बायोडाइवर्सिटी इज द मोस्ट, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने अपने डावोस की स्पीच में भी कहा था कि ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए. सो एज अ प्राइम मिनिस्टर ही एक्सेप्ट्स इट, बट ही इज नॉट डूइंग द वर्क लाइक द वर्क ही शुड डू ऑन ग्राउंड. सो लाइक आई पर्सनली सेंड हिम द लेटर सो दैट ही कुड लाइक गिव सॉर्ट ऑफ डायरेक्शंस टू द ऑफिसर्स एंड लाइक टू द to the like all the officers and to the policy like the policy makers those who are there. So I really wanted them ki matlab he should give a sort of like stricter kind of like overall goal plan or sort of stuff to them so that wo jitne bhi rules and norms hain unhe acche se follow up kara paaye ya unki jitni bhi guidelines unki abhi tak hai bani hui unko acche se ground pe follow up karaye. और जो लोग जिनको मतलब जो पोल्यूटर्स हैं बेसिकली अगर वो लोग उनकी बात नहीं मानते हैं या वो लोग अच्छे से फॉलो अप नहीं कर रहे हैं उन रूल्स एंड नॉर्म्स को तो इनके खिलाफ वो स्ट्रिक्टर एक्शन लें. और अगर वो पॉलिसी मेकर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसकी ड्यूटी है कि वो चेकअप करे कि जो लोग हैं जो फैक्ट्री ओनर्स है जो पोल्यूटर्स है वो अच्छे से रूल्स एंड नॉर्म को फॉलो अप कर रहे हैं, वो अगर लोग फॉलो अप नहीं कर रहे हैं तो वो उनकी जिम्मेदारी बनती है उन्हें फॉलो अप कराना. और अगर वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं तो हम ये मतलब बिगर अथॉरिटीज लाइक प्राइम मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले. सो आई वांटेड द प्राइम मिनिस्टर टू गिव द ऑल द ऑफिसर्स एंड ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अ काइंड ऑफ लाइक नोटिफिकेशन काइंड ऑफ अलार्म टू लाइक मेक द रूल्स एंड नॉर्म्स ऑफ द फॉर द एनवायरमेंट एंड फॉर द एयर पोल्यूशन द एक्यूआई लेवल मेंटेनेंस टू फॉर दैट टू लाइक बीइंग फॉलो अप ऑन ग्राउंड. एंड एट द सेम टाइम like I really don't, I personally don't want oxygen cylinder to become one of our necessity for children's. So like keeping that in mind, I wrote that letter to the Prime Minister. Okay. That cylinder thing just reminded me of one advertisement. जब मैं छोटा था तब एक advertisement आया करता था newspaper में that 20 years down the line there would be kids walking to school with masks on their mouth. And वो स्थिति आ चुकी है दिल्ली जैसे शहरों में. सर्दियों में हम ये scene देख ही रहे हैं. It has become a reality. And that is a sign of times to come. So, Rithima, my final question to you would be: आप देश की नौजवान पीढ़ी को या फिर जो young adults हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने daily routine में या day to day life में वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके कारण climate पर जो impact है वो कम हो? Anything that they can change in their lifestyle or in their day to day routine?
आई वुड से कि मतलब जो मैं कहती हूँ वही करो. आई वुड से कि एज मच एज यू कैन डू वुड बी ग्रेट. ट्राई टू टेक लाइक वेरी स्मॉल स्टेप लाइक फ्रॉम स्विचिंग ऑफ द लाइट्स एंड टैप्स व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट. ट्राई टू टेक लाइक बकेट बाथ इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग अ शावर्स एंड लाइक इट्स अ थिंग लाइक व्हेन यू वॉश योर वेजिटेबल्स ट्राई टू यूज दैट वाटर इंस्टेड ऑफ लाइक थ्रोइंग इट अवे. ट्राई टू यूज इट like for other activities like watering your plants and stuff and like washing your cars or I would say like these are the stuff like what everyone says and but I have something like interesting that I did and I personally liked it is like apni jo old notebooks hai ki matlab old session ki like they like most of the time hamari 2 se 3 notebook use ho jati hai being in a student of 7th 8th 9th grade or above that. So we use a lot of notebooks and at the end, like when we come to the very end of the session, like we got like lot of pages left in our notebook or sometimes it's like aadhi notebook we use and aadhi is like still left. So what we can do is like we can take off those pages and we can make our own rough notebooks out from that. Or even if you don't really want to use that notebook, try to donate it and try to follow up the 3 hours and it's like try to avoid like as much as you can like plastic as much as you can and I would suggest you to like carry on your own like small cutlery set I would say and your own water bottles with you. Try to carry your own bags with you and try to like carry on each and every stuff which you need so that the time doesn't come that you have to buy that. Because अगर आप कहीं जा रहे हो if you are going for walk or even like अगर आप कहीं भी जा रहे हो like mall or park or कहीं भी so carry your own water bottle because if you will need the water if kids are going with you they will need water everyone needs water so in spite of like जाएंगे बाजार पे किसी को प्यास लगेगी तो खरीद लेंगे in spite of doing that carry your own water bottles and try making like doing small steps. Like try to do like attend strikes at your places and try to sign up like online petition that are going on and try to educate your community. Try to educate your parents if they are not really supportive like to you in this matter if you're working in it and try to work with your school. Try to find ways in which like your schools can have a plastic free campus or campus with like low emissions and stuff. So like there are like lot many things that you can do but try to start up with like making changes in your daily life and then try to do after that try to take bigger steps like awareing and motivating your society your school and try taking up like organizing strikes organizing events and all that stuff. Okay. That was really a good conversation with you and I hope that we have many more climate change activists such as you coming up in the next few years. Jab itne sare log ikhatta hokar hum prayas karenge tabhi climate change ko rok payenge and I am really hopeful that aapki jo petition hai usse kuch acha hi nikle. So thank you so much for taking out the time for us Ridhima and I wish you all the best for all your endeavors. In fact me and my entire team at Study IQ we wish you all the best. Thank you so much. And with that, we'll like to end this session. Thank you very much, everyone, for watching this.